जीवन में सबरी का बड़ा महत्व है। साई बाबा ने भी इस पर बड़ा जोर इसलिए दिया ताकि हर इंसान जीवन की भागदौड़ में सबरी यानी सब्र से काम ले। श्रद्धा और सबरी साई बाबा के द्वारा मान जाति को दिए दो ऐसे वचन हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं। ये बात आज शिरडी साई धाम में चल रही श्री साई अमृत कथा में श्री सुमित पोंडा भाई जी ने कही। पुराने भोपाल के सबसे प्राचीन साई मंदिर शिरडी साई धाम पुतली घर में 5 दिन के पुष्पोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन साई कथा को सुनने के लिए मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा रहा। यह कथा गुरुवार तक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी और हर दिन भक्तों को भंडारे में भोजन भी मिलेगा। शिरडी साई धाम की स्थापना हुए इस साल 34 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहाँ कई सालों से निरंतर भंडारा चल रहा है जिसमें रोज लगभग 300 लोगों को 2 वक्त का भोजन मिलता है। साई राम सभी, मेरा नाम आयुष शालिनी है और मैं शिरडी साई धाम पिथलीगढ़ भोपाल से बाबा का सेवक हूँ। और जो पुष्पोत्सव में आज 3रा दिन है, 2 दिन के बारे में कुछ विशेष बताइए और आज क्या विशेष होने वाला है और 2 दिन के अनुभव में के बारे में कुछ हमें बताइए से सब लोग जान पाए। पुष्पोत्सव जो है वो मंदिर की स्थापना के 34 वर्ष पूरे हुए इस उपलक्ष्य में 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है मंदिर में। 26 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। पहले दिन श्री साई सच्चरित का अखंड पारायण भक्तों ने मिलकर करा था जिसमें एक एक अध्याय पूरी सच्चरित के एक एक भक्त को बांटे गए थे और उसने अपना अध्याय पढ़ा और फिर इस तरह पूरी अखंड सच्चरित पूरी हुई। साथ ही 5 दिन की श्री साई अमृत कथा भी दोपहर 3 से 6 बजे तक चल रही है जिसमें भाई सुमित पोंडा जी जो है वो अपने मुखवाड़ी से बाबा की लीलाएं सुना रहे हैं भक्तों को और भक्त जो है झूम रहे हैं उससे। तो आज जो है वो 3रा दिन है कथा का और पिछले 2 दिनों में उन्होंने बाबा की कई सारी जानकारियाँ दी, खासकर भिक्षा बाबा क्यों मांगते थे, दान का महत्व बताया कि दान किस तरह करना चाहिए और दान किसे करना चाहिए, ऐसी बातों पर चर्चाएँ हो रही हैं। आज 3रे दिन की कथा है, मंगलवार का दिन है तो इस उपलक्ष्य में मंदिर में सुंदरकांड का भी पाठ होगा रात्रि 8 बजे से। कल बुधवार है तो कथा के बाद बाबा का खजाना यानी कि बाबा की बूंदी से निकले हुए बाबा के रुपए भक्तों में बांटे जाएंगे, जैसा बाबा करते थे अपने समय में वैसा ही आज भी किया जाएगा। और गुरुवार जो कि बाबा का दिन माना जाता है उस दिन विशेष रूप से बाबा के 56 भोग का कार्यक्रम किया जा रहा है जो कथा उपरांत भक्तों में बांटा जाएगा। 7-5 दिन तक लगातार साई भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था मंदिर द्वारा की गई है जिसमें अन्य लोगों ने साई भक्तों ने मिलकर उस भंडारे को भव्य रूप दिया है। अच्छा, जैसे आज कल आपने प्रिंट मीडिया में कहा था कि आप प्रतिदिन भंडारा करते हैं, 300 लोग यहाँ रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को जानकारी अवगत कराइए। मंदिर द्वारा 2 समय का भोजन सभी साई भक्तों के लिए दिया जाता है और उसमें लगभग रोज का देखा जाए तो 300 लोग लाभान्वित होते हैं, 2 समय का भोजन खाते हैं और गुरुवार को ये संख्या 1000 लोगों तक पहुंच जाती है। तो अगर कोई भी साई भक्त जो भी इच्छा करता है अन्नदान की, बाबा कहते हैं अन्नदान महादान करना चाहता है तो मंदिर में आ सकता है, उसका स्वागत है। वो अपने हाथों से लोगों को बांट सकता है और वो जो पुण्य है भूखे पेट को अन्न का दाना देने का वो अपने नाम कर सकता है।